तो दोस्तों सीरियम बात करने वाले SRF लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे SRF का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें SRF कंपनी के लिए ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल लेवल्स एंड हमें यहाँ पर जो है वो प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, जनरली हम यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स को रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर कवर करते हैं। आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिल रहा होगा हमारे वीडियोस के अंदर भी कि यहाँ पर SRF जो है वो शायद से कल भी 2240-45 के अराउंड क्लोज हुआ था एंड आज भी काउंटर उसी के अराउंड यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो कोई मेजर मोमेंटम आया नहीं, राइट। और जनरली स्टॉक्स इसी तरीके से चलते हैं कि कुछ महीनों तक, दिनों तक आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन जब अल्टीमेटली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो वो 2-3 दिन ऐसे होंगे ना कि आप वहाँ पर ढेर सारा पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक्स को रेगुलरली स्टडी करता रहना पड़ेगा, राइट। एंड वी आर डूइंग हियर एवरीथिंग फॉर यू ओनली। अब 2300 क्या है, नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग, एंड अगर 2100 के नीचे, 2200 से लेकर 2100 ये 100 पॉइंट की रेंज है, काफ़ी डिफिकल्ट है इसको ब्रेक करना, लेकिन अगर बाई चांस ब्रेक कर लिया तो एक ब्लड बाथ भी आपको देखने को मिलेगा।